हाय, आज का वीडियो देखने के बाद आप गार्डनिंग में एक स्टेप ऊपर हो जाओगे, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि कंटेनर गार्डनिंग जब करते हैं तो पॉट की मिट्टी कैसी होनी चाहिए और इसे कैसे बनाते हैं। और आज के बाद आपको पॉटिंग मिक्सचर ऑनलाइन या मार्केट से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम ग्राउंड में सीधे गार्डनिंग करते हैं तो हमें मिट्टी में ऐसा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंपोस्ट ऐड करते वही बहुत है। लेकिन जब हम पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो नॉर्मल मिट्टी में प्लांट को लगा देते हैं, शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, प्लांट अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन 2-3 महीने के बाद प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या वो उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करता है या उसमें एफिड्स, मिलीबग्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। तो पॉटिंग मिक्सचर को अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हाई लेवल गार्डनिंग की जाती है तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अलग मिट्टी तैयार करते हैं, फ्रूट्स के लिए अलग तैयार करते हैं, वेजिटेबल्स के लिए अलग, सकलेंट्स के लिए अलग, इनडोर प्लांट्स के लिए अलग। लेकिन हम बेसिक गार्डनिंग कर रहे हैं जिससे कि हमारी गार्डनिंग कॉम्प्लिकेटेड ना हो और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम हर प्लांट के लिए अलग अलग मिट्टी तैयार करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि समर के जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे तुलसी है, गुड़हल है, बोगनवेलिया है, शमी है, गिलोय है, तरोई, कद्दू, जितने भी गर्मी के प्लांट्स हैं उनको किस तरीके की मिट्टी में रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपके एरिया में जो भी मिट्टी है, लाल है, काली है, भूरी है, सैंडी है, क्लेई है, जैसी भी मिट्टी है, आप उसको ले लो और अच्छे से साफ़ करो। साफ़ करने का मतलब है कि उसमें प्लास्टिक के टुकड़े, कांच के टुकड़े, पुरानी जड़ें या कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें जड़ों को फैलने नहीं देती हैं, तो इनको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। मेरे पास अभी जो मिट्टी है उसमें कुछ मिट्टी तो मैं नर्सरी से प्लांट्स लेके आई थी तो उन्होंने मुझे पॉट के साथ दी थी, और कुछ मिट्टी मेरे पुराने पॉट्स में जिसमें प्लांट लगे हुए थे ऑलरेडी, कुछ मिट्टी वो वाली है। मिट्टी में अगर कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं तो मैं इस तरीके से छान लेती हूँ। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, एक बार की मेहनत होती है, लेकिन मिट्टी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो जितने भी एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जितनी ताकतवर मिट्टी होगी उतनी ही मजबूत जड़ें होंगी और उतना ही हेल्दी आपका प्लांट होगा। ये मेरी 20 किलो मिट्टी है और इसको मैं एक दिन धूप दिखाऊंगी। ये मिट्टी मेरे पुराने पॉट में थी और नर्सरी से भी आई है, तो धूप में मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें कुछ चींटी, कीड़े, फंगस वगैरह होंगे तो वो सब चले जाएंगे। एक दिन के बाद, ये इवनिंग का टाइम है, मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुकी है, उड़ भी रही है, मेरे फेस पे आ रही है, तो मैं इसमें पानी की छींटे मार रही हूँ जिससे ये बैठ जाएगी। ऐसा आप भी कर सकते। अभी मैं इस मिट्टी को ऐसे होल्ड कर रही हूँ, मिट्टी बांध रही हूँ, और ये इस तरीके से बंध जा रही है क्योंकि ये क्ले सॉइल है, ये चिकनी मिट्टी है। इस तरीके की मिट्टी में अगर हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे और ऐसे ही इसमें प्लांट लगा देंगे तो 3-5 बार जब हम पानी डालेंगे इसके बाद ये चिकनी हो जाती है, बिल्कुल पत्थर बन जाती है। फिर इसकी गुड़ाई करते हैं तो ये बहुत टाइट हो जाती है, और जब हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी जल्दी अंदर नहीं जाता है, ये बिल्कुल पत्थर बनती चली जाती है। मेरे पास ग्लव्स हैं लेकिन मैं ग्लव्स का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मिट्टी का काम हाथ से करना अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली टेक्सचर चेक करती हूँ कि मिट्टी की क्या कंडीशन है, और जब भी मैं गार्डनिंग करती हूँ मैं तुरंत हाथ धोती हूँ सोप से प्लस सैनिटाइज़र लगाती हूँ, तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी भी सेंसिटिव है तो आप प्लीज़ ग्लव्स यूज़ करके ही मिट्टी में काम करिएगा। सबसे पहले हम मिलाएंगे कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो आप, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, किचन कंपोस्ट हो सकता है, लीफ कंपोस्ट हो सकता है, काउडंग कंपोस्ट हो सकता है, किसी भी कंपोस्ट को लेना है। जितनी मिट्टी है उसका जस्ट आधा कंपोस्ट लेना है। 20 किलो मिट्टी थी तो मैं 10 किलो कंपोस्ट डाल रही हूँ। कंपोस्ट सबसे पहले तो बहुत ही ताकतवर होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको काला सोना भी कहते हैं। दूसरी चीज़, ये पानी को होल्ड करता है। अगर आपने कंपोस्ट ऐड किया है मिट्टी में तो मिट्टी बहुत जल्दी सूखती नहीं है, मिट्टी का टेक्सचर ठीक करता है, ये जो पथरीली मिट्टी होती है इसे मुलायम बनाता है क्योंकि ये स्पंजी होती है। अगर आपके यहाँ लाल मिट्टी है तो आप थोड़ा सा कंपोस्ट कम भी कर सकते हो क्योंकि लाल मिट्टी में ह्यूमस भी होता है और पानी को भी काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखती है, थोड़ी सी गीली गीली सी रहती है। वैसे ओवरऑल जितना आपने मिट्टी डाला है उसका जस्ट आधा आपको कंपोस्ट लेना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डालेंगे कोकोपीट।
ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम गर्मियों के लिए मिट्टी बना रहे हैं। मैंने इसके पहले भी सॉइल मिक्सचर का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने विंटर्स के लिए कैसे मिट्टी तैयार की जाती है उस पर बताया था। इस वीडियो में मैं समर्स के लिए बता रही हूँ, तो कोकोपीट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। कोकोपीट एक्चुअली नारियल का बुरादा होता है। जितना आपने कंपोस्ट लिया है उसका जस्ट आधा आपको कोकोपीट लेना है। कोकोपीट कैसे बनती है, कहाँ मिलती है, कितने की मिलेगी, इसको कैसे प्लांट्स में यूज़ करते हैं, इस पे मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। कोकोपीट को मिट्टी में डालने से मिट्टी पहले तो हल्की हो जाती है, इसका वेट काफ़ी कम होता है। दूसरी चीज़, कोकोपीट काफ़ी लंबे टाइम तक गीली रहती है। मई जून की जो भीषण गर्मी होती है, बार बार प्लांट सूखते हैं, उनकी मिट्टी बार बार सूखती है, हमें बार बार पानी डालना पड़ता है। तो अगर आपने कोकोपीट ऐड किया है पॉटिंग मिक्सचर में तो आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। पॉट के अंदर का जो टेम्परेचर है और मॉइस्चर, वो दोनों मेंटेन रहेगा कोकोपीट की वजह से। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डालेंगे सैंड, यानी बालू। बालू हम उतनी ही डालेंगे जितनी हमने कोकोपीट डाली थी। कोकोपीट हमने 5 किलो डाली थी तो बालू भी हम 5 किलो डालेंगे। सैंड मिट्टी को पोरस बनाती है, भुरभुरी बनाती है। ये पानी को नहीं रोकती है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिनमें हम ऊपर से पानी डालते हैं और वो पानी ऊपर ही रहता है, पानी अंदर नहीं जाता है, और अगर अंदर जाता भी है तो बहुत देर बाद निकलता, क्योंकि सॉइल वेल ड्रेन नहीं है। जो वेल ड्रेन सॉइल होती है वो बनती है बालू से, दैट इज सैंड से। जिनके यहाँ सैंडी सॉइल है, सैंड थोड़ा सा कम भी डालेंगे तो चलेगा। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कौन सी सैंड यूज़ करनी है और कहाँ से लानी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से सैंड लेके आती हूँ। आपको सबसे पहले तो सी सैंड, समुद्र के किनारे वाली बालू नहीं लेनी है, उसमें नमक होता है। हमें लेनी है रिवर सैंड। ये एक साइट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सारा सामान मिलता है। ग्रे कलर के बहुत सारे पहाड़ हैं और हमें चाहिए प्योर रिवर सैंड। यहाँ पर सैंड मिलेगी और साथ में स्टोन डस्ट भी मिलता है। स्टोन डस्ट का यूज़ भी गार्डनिंग में होता है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा वो भी ले आओ। पॉटिंग मिक्सचर में तो हम स्टोन डस्ट नहीं डालते हैं, लेकिन अलग से स्टोन डस्ट का यूज़ होता है। तो आप यहीं से थोड़ी सी सैंड और थोड़ा सा स्टोन डस्ट ला सकते हो। नेक्स्ट हम डालेंगे नीम की खली। हमने मिट्टी में न्यूट्रिशन दे दिया, पोरस बना दिया, वेल ड्रेन बना दिया, पानी भी होल्ड कर रही है, सब कुछ है, लेकिन हमने अभी रूट्स की प्रोटेक्शन नहीं की। हमने अपने प्लांट्स को कीड़ों मकोड़ों से, बैक्टीरिया से, डिजीज़ से बचाया नहीं है। वो काम करती है नीम की खली, इसे डालना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक अच्छी क्वालिटी की नीम की खली लोगे तो उसमें एक स्मेल आती है। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, जब मुझे लगेगा कि स्मेल तेज़ हो गई है तो मैं रोक दूँगी। 20 किलो मिट्टी में मैंने लगभग 1/2 किलो नीम की खली डाली है। अच्छा, एक चीज़ और है, हम यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं कि हर चीज़ बिल्कुल नाप नाप के डालनी है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमने अभी तक जितना भी डाला है वो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल डाला है। थोड़ा कंपोस्ट ज़्यादा होगा, कम होगा, कोकोपीट, नीम की खली, कुछ भी ज़्यादा कम होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लगभग ऐसे ही डालिएगा, जितनी मिट्टी है उसका 1/2 कंपोस्ट, जितना कंपोस्ट है उसका 1/2 कोकोपीट और सैंड, और लगभग अपने आइडिया से आपको नीम की खली डालनी है। अब जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो भी मिट्टी में डालना है, वो है फंगीसाइड। काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है कि नीम की खली डालने के बाद फंगस हो जाती है प्लांट्स में, तो वैसे मैंने कभी भी फील नहीं किया है फंगस का, लेकिन अगर आपको ये शिकायत है तो आप फंगीसाइड ज़रूर डालिए। वैसे नहीं भी है तो भी आप फंगीसाइड डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दालचीनी का महीन पाउडर बना लीजिए, ये ऑर्गेनिक है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। नहीं है तो साफ़ फंगीसाइड यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी दालचीनी का पाउडर नहीं है तो मैं साफ फंगीसाइड डाल रही हूँ। ये फंगीसाइड उतनी ही डालनी है जितनी नीम की खली डाली है, लगभग 1/2 किलो। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, हमने इतनी मेहनत की है, इतनी सारी चीज़ें डाली हैं, तो इसको सही से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसको होल्ड करके देख रहे हैं तो ये खुल जा रही है। मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी चीज़ में रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जिन लोगों के यहाँ काली मिट्टी है उसमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन जिनकी लाल मिट्टी है, ब्राउन है, सैंडी है, उनको काफ़ी फ़र्क दिखेगा इसके कलर में। शुरू में लाइट ब्राउन थी और एंड में डार्क ब्राउन हो गई है।
तो देखा आपने किस तरीके से मैंने मिट्टी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज़ कर दिए। ये 20 किलो की मिट्टी लगभग 40 किलो की मिट्टी हो गई है। ये काफ़ी हल्की है, इसमें न्यूट्रिशन है, ये पानी को होल्ड करेगी। इसको यूज़ करने से आपके प्लांट्स में डिजीज़ और पेस्ट भी नहीं होंगे। अगर आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाते हो या आप अपने यहाँ जो भी प्लांट्स हैं उसको रीपॉट कर रहे हो तो इसी मिट्टी में करो। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसको आप रीपॉट नहीं कर सकते हो लेकिन उसकी मिट्टी चेंज करना चाहते हो तो ऊपर से गुड़ाई करिए। जितनी मिट्टी आप निकाल सकते हो प्लांट को डिस्टर्ब करे बिना आप निकाल लो और ऊपर से ये जो हमने मिट्टी बनाई है इसे डाल दो। तो ये हो गया गर्मियों की मिट्टी कैसे प्रिपेयर करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपका वीडियो आता है और हमें पता नहीं चलता है। लोग इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछते हैं आपका वीडियो आ गया क्या। मे बी आप लोगों ने नोटिफिकेशन पे प्रेस नहीं किया है, तो वो जो बेल आइकन है उससे ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपको पता चलेगा कि मेरा वीडियो आया है या नहीं आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपकी यूज़ का है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर दोनों करिएगा। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।